अवसानी बुजुर्ग अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय अवसानी बुजुर्ग में कायाकल्प योजना के तहत काफ़ी कार्य बाकी पड़ा हुआ है। जब से प्रधान का कार्यकाल यहाँ से ख़त्म हुआ तब से कायाकल्प योजना के तहत यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है, पूरा कार्य स्थगित है। जैसे कि अब देखें, ये सामने का गेट है, गेट का पूरा काम पड़ा हुआ है। यहाँ बाउंड्री में घास भूसे उगे पड़े हुए हैं, वैसे सारे काम बंद पड़े हैं। ये कायाकल्प योजना के तहत सारा काम होना चाहिए था मगर नहीं हो पाया है। यहाँ गुरुजी उपस्थित हैं, हम उनसे जानना चाह रहे हैं कि ये कार्य क्यों स्थगित है, क्यों नहीं हो पा रहा है। ये प्राथमिक विद्यालय अवसानी बुजुर्ग है, यहाँ के प्रधानाध्यापक श्री समीम जी हैं, हम उनसे जानना चाह रहे हैं कि क्यों ये कार्य बाकी पड़ा हुआ है, इससे क्या नुकसान हो रहा है विद्यालय का। तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर। ठीक है, इसे बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ गुरु जी उपस्थित हैं, हम इनसे जानना चाह रहे हैं कि सर, मेरे विद्यालय का काम बहुत अच्छा हो रहा था, न जाने क्या दिक्कतें हो गई विभागीय या क्या परेशानियां हैं, मेरे संज्ञान में नहीं है कि फिलहाल कायाकल्प का काम वो तीव्र गति से नहीं चलता है जैसे पहले चलता था, जिससे काफ़ी दुश्वारियां हो रही हैं, गंदगी ज़्यादा रहती है विद्यालय में, बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। मैंने संबंधित से फ़ोन पर बात किया है कि आप जो बाकी हुई काम है वो जल्दी करा दीजिए तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि आपके यहाँ भी गेट भी मैं देख रहा हूँ खाली गेट मेरे यहाँ नहीं है, दो गेट मेरे यहाँ खुला हुआ है लेकिन गेट नहीं लगा है, जबकि हम इसमें किसी की कमी नहीं महसूस करेंगे। हमारे सिक्योरिटी साहब काफ़ी प्रयत्नशील हैं, ठेकेदार भी मेरे अच्छे थे, ना पता नहीं क्यों क्या बात है इस वक्त 15 दिन से काम बहुत ही गति ढीली है। अच्छा अच्छा, मुझे उस बात की विशेष चिंता है। अच्छा अच्छा, तो इससे दिक्कतें हो रही हैं आपके विद्यालय में? बहुत दिक्कतें हो रही हैं, जबकि मैं चाहता हूँ मेरा विद्यालय भी और विद्यालयों के तरीके से काफ़ी अच्छा रहे और उम्मीद भी थी कि अच्छा ही रहता, फिलहाल पता नहीं क्यों हमारा काम थोड़ा शिथिल है, जिसका मुझे बहुत फिक्र है। सर, शुभ नेम क्या है आपका? मेरा नाम शमीम अहमद है। यहाँ से अध्यापकगण भी उपस्थित हैं किसी विद्यालय में, ये तो सभी जान रहे हैं कि विद्यालय में बच्चे नहीं आते हैं, इस नाते बच्चे विहीन विद्यालय में समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल कायाकल्प योजना का, जैसा कि मास्टर साहब बता रहे हैं, कायाकल्प योजना के तहत कार्य जो है बहुत धीमी गति पर बता रहे हैं आप, इस समय कोई काम यहाँ नहीं हो रहा है। गेट वगैरह वहीं से पड़ा हुआ है जैसा कि अभी दिखाई पड़ रहा है। ग्राम पंचायत अवसानी बुजुर्ग का प्राथमिक विद्यालय अवसानी बुजुर्ग है, जैसा कि वीडियो में आप देख भी रहे हैं, गेट वैसे ही प्रमुखन है, सामने से रोड है, ये दिखाई पड़ रहा है।